ये आप देख सकते हैं मजदूर हैं यहाँ पे, झंडा इनके हाथ में है और नारेबाजी कर रहे हैं। 8 फरवरी डे ऑफ रिवेंज, एवरीबॉडी रिमेम्बर 8 फरवरी को इंशाल्लाह इंतकाम लेना है इनका। जितना प्रोपोगंडा हो रहा है, जितने ये केस बना रहे हैं, 202 से लेकर 420 तक बना दें, अल्हम्दुलिल्लाह हम खान के साथ हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। खान हमारे लिए जेल में है, हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई पी टी आई। ये जी, ये झंडे इनके हाथ में है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यहाँ पे ये मजदूर बैठे हुए हैं। और क्या कहें, कुछ और कहना चाहेंगे बाबा जी? बाजी कुछ नहीं, और हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन खान पे जो इतने केसेस हो गए हैं वो तो वजीर आजम नहीं बन सकता। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम बनेगा इंशाल्लाह। जैसे नवाज शरीफ के केस खत्म हुए हैं, इसके भी हो जाएंगे, ये वक्त ही हो रहा है अमरीका के कहने पे, डोंट वॉरी, कोई बात। ओके ओके, आप कुछ कहेंगे दोस्त? खान की सपोर्ट करेंगे बस। खान को सपोर्ट करते हैं जी सर। अच्छा, ये आप क्या कर रहे हैं भाई? झंडे बना रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं। झंडे लगाता हूँ। अच्छा, झंडे लगाते हैं आप जी? ये इसमें डाल के आराम आराम से। नहीं, पुलिस वाले आपको कुछ नहीं कहते? अभी पता चलेगा, पुलिस वाला आ जाएगा तो देगा ना। हैं, पुलिस वाला कुछ कहेगा या नहीं कहेगा वो तो वोट का दौरान में जो आदमी किस को देता है वो तो किसी का। आप उनके झंडे ले रहे हैं लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कहते यहाँ पे? कोई पुलिस वाले पाकिस्तानी है ना यार, पुलिस वाले कोई बाहर से तो नहीं आए, फौज हमारी, पुलिस हमारी, पुलिस कोई हमें क्या कहेगी, हम कोई गैरानी काम कर रहे हैं, बस सही है, हमें प्यार है पीटीआई से, बस खत्म बात। पुलिस भी हमारी है, ये देखा लोगों का मोहब्बत, प्यार मोहब्बत लोगों का देखा, जुनून कितना है, हमारी फौज हमारी, पीटीआई जिंदाबाद। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे यहाँ पर शुएब शाहीन के ऑफिस से लेकर आए हैं, और ये मजदूर हैं, मजदूरी के इंतज़ार में बैठे हैं कोई ताकि आए, और लेकिन इन्होंने झंडे हाथों में उठाए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और दूसरी तरफ एक और भी आपको दिखाता हूँ, ये एक और भाई हैं, ये भी हाथ में झंडा ले कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैठा हुआ है, मजदूरी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं ताकि कोई मजदूरी मिल सके कहीं से। और ये देख लें, नारे लगा रहे हैं, हाथ में झंडा लहराया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये इस्लामाबाद है, G9 मरकज है, और शुएब शाहीन का यहाँ पे ऑफिस भी है, वहाँ से ये झंडे लेके आए हैं। ये पुलिस वालों ने तो आप कुछ नहीं कहा? ये पुलिस वाले भाई जान सारे कहते हैं कि ये हर पाकिस्तानी का आईनी हक है, वो जिसको चाहे वोट दे, जिसको चाहे वो नारे लगाए, ये हमारे पाकिस्तानियों का आईनी हक है। और ये इस्लामाबाद की पुलिस हमें कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती। ओके सर, आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या नहीं? इंशाल्लाह सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को पसंद करते हैं दिल से। ठीक, ये कहाँ से ले गए हैं झंडे आप? ये ब्रेस्टर साहब के कैंप। अच्छा, शुएब शाहीन के कैंप से ले गए हैं। ये आप देख सकते हैं जी, मजदूर हैं यहाँ से और मजदूरी के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे झंडे ले गए हैं, साथ में ही ऑफिस हैं, और यहाँ पे ये झंडे लहरा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे भी लगा रहे हैं।